अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी चाइनीज़ ड्रम स्टिक्स किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 12 ड्रम स्टिक्स मीट, 1 पीस ऑफ ब्रेस्ट, 1 मीडियम साइज अनियन, 1/2 कप ब्रेड क्रम्स, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 एग, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड क्रश चिल्ली, 1 टेबलस्पून ग्राइंडेड ग्रीन चिल्ली, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट। देखिए ये ड्रम स्टिक्स में से मैंने गोश्त को सारा उतार लिया है और अब मेरे पास ये स्टिक्स बची हैं, इनको मैंने एक साइड पर रख लिया है। इसको क्या करना मैं बाद में बताती हूँ। अब मैं ब्रेड क्रम्स को जो है वो अलग रख लूँगी, बाकी इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में गोश्त के साथ डालकर ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये ब्रेड क्रम्स डालकर इसको भी मिक्स कर लूँगी और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। हड्डियों के अंदर मैंने इतना पानी डाला है कि ये सिर्फ भीग जाएं और इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा सिरका डाल के इसको एक उबाल आने तक उबालूँगी और फिर मैं इसको छान लूँगी। ये 1 टेबल स्पून ऑयल में मैंने थोड़ा सा जो है जर्दे का रंग इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब ये हड्डियाँ जो मैंने उबाल कर इसको छान लिया था अच्छे से और इसको ड्राई कर लिया है, अब ये जो है इसके ऊपर मैं मल दूँगी। बाकी सब पर भी इसी तरह मल लूँगी। आधे घंटे के बाद मैंने कीमा जो है वो इसमें से निकाल लिया है और ये देखिए एक बड़े कोफ्ते जितना मैं कीमा पकड़ूँगी और इसके अंदर इसको रखकर और इसके इर्द गिर्द आराम आराम से इसको लपेट दूँगी। देखिए इसको मैंने जो शेप दी है ये दोबारा से लग रही है कि ये फिर से ड्रम स्टिक बन गई है। अब बाकियों को भी मैं इसी तरह से बना बना कर रख लूँगी। अब सारी ड्रम स्टिक्स को बनाकर मैं फिर दोबारा से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब फ्रिज से मैंने ड्रम स्टिक्स को निकाल लिया है। अब मैं कढ़ाई में इतना ऑयल लूँगी कि ये शैलो फ्राई हों। अब मैं इसमें सारे आराम आराम से छोड़ दूंगी और बहुत हल्की आंच पर इनको फ्राई करूंगी। इसको बहुत हल्की आंच पर हर तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है क्योंकि कीमा जो है इसका कच्चा है, तो हमने अच्छी तरह से इसको अंदर तक पकाना है। अब हम इसको थोड़ी थोड़ी देर तक ढक के रखेंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम इसको ज़रा पलट देंगे और ये अमल हम बार बार करेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, लेकिन हम इसको ढककर ही पकाएंगे। जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको निकालेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे झाड़ झाड़ कर अच्छी तरह से निकालती रहूँगी एक पेपर पे और उसके बाद बाकी की भी सारी ड्रम स्टिक मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। देखिए नाज़रीन, नहायत मज़ेदार चाइनीज़ ड्रम स्टिक्स अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई हैं। आप इनको इसी तरह बनाकर और सजाकर पेश कीजिएगा, ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।